अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ नवाज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सैफ नवाज ऑफिशियल में। दिनांक 6/9/2021 को भोला मारी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन अतिथि द्वारा फीता काटकर एवं राष्ट्रगान गाकर बोलामारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इस टूर्नामेंट में बंगाल की 8 टीमों और बिहार की 8 टीमों के बीच में जबरदस्त मुकाबला हुआ। बोलामारी के फाइनल में बंगाल की टीम नूरपुर और बिहार की टीम शमशेरगंज फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई। भोलामारी का फाइनल मुकाबला शमशेरगंज वर्सेज बंगाल के बीच का मुकाबला आप कमेंटेटर सैफ नवाज की आवाज में पूरा देखें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट शमशेरगंज में जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाले हैं उसका भरपूर मज़ा आप अपने मोबाइल पर घर बैठे ले सकते हैं। और एक दर्शन मिस करते नजर आएंगे पंकज नूरपुर की ओर से। नूरपुर अभी भी 4 अंक से आगे चल रही है और ये काफी अच्छा स्मैश पैनल के द्वारा। लाजवाब अजहर के द्वारा एक ओर है बिहार की टीम शमशेरगंज, दूसरी ओर है बंगाल की टीम नूरपुर। दोनों के बीच में यह रोमांचक मुकाबला 5 सेट तक चलेगा। अगर कोई भी टीम लगातार 3 सेट जीतती है तो फिर 3 सेट में ही समाप्त हो जाएगी और यहाँ पे मौका का फायदा उठा लेंगे शमशेरगंज 3-5 की सर्विस 3-7। अच्छा स्पेस पंकज के द्वारा ये सर्विस आसिफ है तैयार जलजार के लिए गेंद बनाने के लिए और अच्छा स्मैश जलजार के द्वारा 3-7 चेंज सर्विस। और ये एक बार अच्छी सर्विस करने का प्रयास अजहर के द्वारा काफी लाजवाब शॉट की गोल बना लिया साबिर ने। साबिर और गुलजार नहीं पता उठ करते हैं कौन सी बात शायद जी हां फिर सेवर अच्छा सा भवों का चेंज 7 पर की अगली सर्विस आएगी नूरपुर की ओर से। पंकज लेकर के आएंगे अगली सर्विस 5 गेम। अच्छा स्मैश जवाब शॉट फोर सेवन की सर्विस अगली सर्विस सबसे तेज की ओर से अच्छी सर्विस करी चालाकी का प्रयास लेकिन अपने ही जाल में फंस गए नूरपुर के खिलाड़ी। शफी अच्छा प्रयास जरूर किया था लेकिन उनके साथ ही खिलाड़ी ने उनका साथ नहीं दिया और उसका फायदा मिलता हुआ सबसे मैच को धीरे धीरे पीछा करते हुए नूरपुर। अच्छा स्मैश और फिर से क्या मौका बना पाएंगे मैनू अच्छा स्मैश लेकिन गेंद को बना लिया पंकज ने फिर से अच्छा स्मैश लेकिन गेंद को किसने बना लिया है सबसे निकाल लिया नहीं अरे मर गया
अच्छा सर विजिट में मिलते हैं और ये एक बार फिर से काफी अच्छा प्रहार गेंद को है क्या वैसे गेंद को और ये बार ये अच्छा प्रहार मौका है पंकज कुमार गेंद को और ये इसको देखती हुई और राष्ट्र खिलाड़ी के साथ रणनीति बना रहे हैं और गुरुदास जो उनको रन फ्लाई के रूप में जाते जाते हैं अपने साथ खिलाड़ी को समझाते हुए क्योंकि ये जो है पहला सेट का है अभी भी आपके पास चार सेट है आप दोनों भी किसी भी सेट में वापस कर सकते हैं अच्छा बस फिर से दोनों के द्वारा आप कर सकते हैं और एक बार फिर से और ये मस्त हो ठीक एक फाइव दर्शकों ये मैच फाइनल मैच है और कहीं ना कहीं बुरापाई के सिलेक्शन कमिटी का प्रयास काफी सफल है इस वक्त तक क्योंकि ये फाइनल मैच काफी अच्छा जा रहा है किसी भी बॉलीवुड टूर्नामेंट का अगर फाइनल मैच अच्छा नहीं जाता है तो उनकी दुर्भाग्य आ जाएगा लेकिन यहाँ पर बोला भाई की कमेटी ने सिलेक्शन कमिटी को विशाल जी ने आज उनसे उसके साथ ये आप फाइनल मैच देख पा रहे हैं एक ओर बिहार की सबसे बड़ी मजबूत टीमों में से एक संतुलन दूसरी ओर बंगाल के मजबूत टीमों में से एक टूट अच्छा सांस आज के बाद एक तरफ इसमें से उनके अजहर भगवान गुंडा तो दूसरी तरफ गुजार नायर शाबिर एक पेंट खिलाड़ी है जो अपने खेल का जवाब दिखा रहे हैं भोला भाई भारी बंटी को बंटर करे किस ने अगर इसी प्रकार से भोला भाई भारी बंटी का मैच आयोजन करेगी तो मुझे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार का प्रभाव रहेगा इस प्रकार का भीड़ ऐसा मैच में रहेगा ग्राउंड पे रहेगा दर्शक को पूरे रात भर उस तरह के मैच का मजा लेंगे अगर ये ब्रांड के जो चलती है बड़ा भाई ये जो कमेटी मेंबर है वो घंटे मैच के रात में रहेगी तो आने वाले समय में भी इस प्रकार का भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और काफी बार अच्छा काम किया है बड़ा भाई के सभी मेंबरों ने कमेटी मेंबर उनके सपोर्टर्स सहायक करता और जो उनके प्रतिनिधि ने जिन्होंने रुपए से अपने कीमती वक्त देकर के इस बारे में पूरा में मैं अपना योगदान दिया है सभी का मैं श्री नवाज को सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और उनका सारे जितने सभी आभार करता हूँ क्योंकि उसने जिस प्रकार से इस बारे में पूरा में के फाइनल मैच को बनाया है तो काफी ताई है और काफी है तो इस प्रकार से मैच को मिल रहे हैं और
लेकिन दो ठो बेटे कम से कम मंगा कर रखिए, दो ठो बेटे चल जाएगा। स्कोर में इजाफा करता हुआ आगे बढ़ता हुआ 10 सेवन की सर्विस होगी और अच्छी सर्विस करी तो से गेंद तुलाने में कामयाब होंगे। गुलजार के लिए अच्छा स्पैस गुलजार का सबसे करी नूरपुर 17 की सर्विस अच्छा शॉट ब्लॉक करने में नाकामयाब। 10-7 और काफी लाजवाब प्रहार दूसरे तो मैच से वैसे गुजर भी कम नहीं है और इसका मुजाहरा पेश करते हैं कि बोला मारी की सर्जरी पर शाबिर के द्वारा अच्छी सर्विस और ब्लॉक करने का नाम किया माइनोरी अजहर का बेहतरीन शॉट के साथ स्विंग होता हुआ 10-7 और यार देखो 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 कुछ भी बोले जिससे उनके खिलाड़ी आकर्षित होते हैं। ये अच्छा सोफी के पास मौका था और यह गेंद को किसी तरह से हेडेड कर दिया दूसरे के में और मिस कर गए दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और उसका फायदा मिल जाएगा उनकी डिवर्सिटी सबसे बेहतर 7-11 की सर्विस दोनों का दोबारा अच्छा शॉट लंबे खिलाड़ी का भरपूर फायदा उठाते हुए लगातार इस टूर्नामेंट में उठाते आए और यहाँ भी उठाते हुए नजर आए। एक बार फिर नूपुर की ओर से सर्विस होगी 11-7 की सर्विस और एक बार फिर से काफी लाजवाब शॉट गुंजार के द्वारा कमबैक सुपरस्टार गुंजार अगर आप सबसे घर को ये मैच देखते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि गुलजार लॉकडाउन से पहले काफी मैचेस नहीं खेले हैं 2021 के ज्यादातर मैचेस नहीं खेले हैं तो एक तरह से 10 मैचेस ही खेले होंगे इस पूरे सीजन में पूरे टूर्नामेंट 10 टूर्नामेंट खेले हैं और कहीं ना कहीं एक काफी अच्छी वापसी रही है क्योंकि गुलजार जो है वो आर्मी का तैयारी कर रहे हैं इसलिए बीच बीच में उनको छोड़ना पड़ता है अपना टीम का साथ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपना करियर और उनका जो करियर है गुलजार अपना करियर आर्मी के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त और काफी अच्छा
यहाँ पे कम बैक करते हुए नूरपुर आगे बढ़ती हुई जा रही है। 12-7 की सर्विस होगी नूरपुर की ओर से, सर्विस होगी नूरपुर की ओर से 12-7। और एक बार फिर से खूबसूरत शॉट, ब्लॉक बेहतरीन, लाजवाब। एक और इसी के साथ ही सेकेंड लास्ट बॉल फाइनल मुकाबले के पहले सेट के लिए। और एक बार फिर से टॉस पर चल लगने का प्रयास, मुंडा है तैयार लेकिन ब्लॉक काफी बढ़िया, लेकिन आउट ज्यादा हुआ, ब्लॉक किया था लेकिन आउट, और इसका फायदा मिलता हुआ 14 लास्ट बॉल, 14 लास्ट बॉल की सर्विस। अच्छा सर, इसके साथ ही फाइनल मुकाबले का पहला सेट जीत लिया है नूरपुर ने। अपनी टीम की तरफ से काफी अच्छा खेलने वाला नजर आता है हर खेल में हर जगह में, इसी तरह टूटने वालों की दमदार मेहनत, लेकिन नाकामयाब रहे नूरपुर के खिलाड़ी। इसी तरह चेंज होता हुआ सरगल और एमडी तो सिर्फ सर्विस करेंगे, हल्के से हाथों से आप कैसे ना हो जाए भाई, आप कैसे ना हो जाए, जो उसका डिसीजन होगा वही लास्ट डिसीजन। इसी तरह चेंज होता हुआ कंटिन्यू पॉइंट 3-11। काफी अच्छा स्वाद मुन्ना के द्वारा जो कि नूरपुर की तरफ से काफी अच्छे हिट करते हैं। इसी तरह चेंज होता हुआ पंकज सर्विस करेंगे, अब देखना होगा कि क्या हो रहा है। काफी अच्छा स्वाद गुलजार के शमशेरगंज की तरफ से, गुलजार दो नंबर जैसे चेंज होता हुआ शमशेरगंज 3-4। हल्के हाथों से लंबे कट के खिलाड़ी ने चेंज करता हुआ और इधर आप नूरपुर की तरफ से चल रहे हैं पंकज, जो कि काफी अच्छा सर्विस मैन और खिलाड़ी भी अच्छे हैं। तो फिर का हल्के हाथों से फिर से तो आपने टीम के लिए चेंज करता हुआ बॉल, काफी अच्छा मार लेकिन यहाँ फील्डिंग कामयाब रहे फील्डिंग करे में, हल्के हाथों से फील्डिंग कर रहा लेकिन कैसे खड़ा मैच को इसको संभाला रवि, हल्के हाथों से फील्डिंग लंबे खिलाड़ी का जो कि फील्डिंग का ना करने में नाकामयाब रहा। चेंज करता हुआ पंकज इधर से सर्वे देंगे नूरपुर की तरफ से, काफी अच्छा हिट लेकिन बोलो नेट है सर, कंटिन्यू सर्विस नूरपुर की तरफ से 2-3 कंटिन्यू सर्विस होता हुआ। और इसी के साथ ये आखिरी फाइनल मुकाबले का दूसरा सेट नूरपुर की ओर से गेम बॉल 14 लास्ट बॉल, अगर लगातार 3 सेट जीतेंगे तो फाइनल मैच की ट्रॉफी अपने नाम कर जाएंगे। ये लगातार दूसरा सेट होगा जो अपने नाम करेंगे नूरपुर। अच्छा स्मैश और गर्भिशन मौका है सोफी के पास, सोफी और अच्छा स्मैश, तिरछा स्मैश ट्रॉफी बार, आप ही लोग ट्रॉफी मिलेगा भाई, लेकिन वो जो है और नूरपुर ने 2 सेट जीत लिया है और ये तीसरा सेट का मुकाबला आप सभी देख रहे हैं जो हमारे
जो बुजुर्ग है वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मजा धूप में ले रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अंदर आ जाए, जगह है यहाँ पे, आप बैठ के इस मैच का मजा ले सकते हैं। बोल हमारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2021 का ये फाइनल मुकाबला चलता हुआ, दो सेट लगाकर जीत चुकी है नूरपुर की टीम, और ये तीसरा सेट में दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पर है। 1-1 की सर्विस होगी सबसे बेस्ट की ओर से नूरपुर के लिए। अच्छा स्मैश करेंगे, अच्छा स्मैश यहाँ पे, और गुलजार नाकामयाब है, इस गेंद को ब्लॉक करने में इसका फायदा मिल जाएगा। पंकज एक बार फिर से सर्विस करेंगे, बॉलर की सर्विस पंकज के द्वारा, और ये लाजवाब प्रहार गुलजार के द्वारा, मयूर के द्वारा, और सबसे गेंद पहले दफा एक अंक से आगे बढ़ चुकी है नूरपुर के। 6-5 की सर्विस, शॉकिंग है तैयार, मुन्ना स्मैश किया हल्के हाथ से, फिर से मौका आ चुका है इसका फायदा मिलता हुआ मैनुअल और उनकी टीम को। और इसके साथ ही 3 अंकों का इजाफा हो चुका है। अरे बार फिर से अच्छा सा मुन्ना के द्वारा 1-5 की सर्विस होगी, 5-8 की सर्विस होगी, चेंज कराने में कामयाब, 5 बेस्ट बेस्ट सभी खिलाड़ी जो है पसीना से भीग चुके हैं, और क्योंकि अच्छी फील्डिंग करके आज के फील्डर के लिए मसला रहता है, और मौका है यहाँ पे गुलजार के पास, ये टच आउट किया तो कोच से बाहर गया, ब्लॉक करने में नाकामयाब, इसका फायदा मिल जाएगा। 8-5 की सर्विस, चेंज सर्विस आ जाएगा, अच्छा शॉट लेकिन समय नहीं दिया, इसके साथ ही अंपायर का इशारा जाता हुआ नूरपुर की ओर 5-1 की सर्विस, चेंज सर्विस, वाटर चैंपियन है नूरपुर के खिलाड़ी, एक बार फिर तैयार है सर्विस के लिए, अच्छी सर्विस करी तो सिर्फ बस मौका के लिए गेंद बनाने का, मेल का स्मैश, और फिर से मौका है यहाँ पे लेकिन दाव गया, इसके साथ ही एक और अंक का इजाफा, 6-8 6-8 की सर्विस, शानदार स्मैश, अच्छी फील्डिंग, गेंद को पास करता हुआ फिर से तौसिफ, तौसिफ से मैनुअल, अच्छा स्मैश, अरे बल्ले से सेवन एट की सर्विस, एक अंक से पीछे चल रही है नूरपुर सबसे रन से, अच्छा शॉट बड़ा फील्डिंग, और ये अच्छा ब्लॉक, तो दोस्तों इसी के साथ दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है, इसीलिए एक बार फिर का ताली बजाइए, दर्शकों को लगता है भूख लगी है, अच्छा स्मैश शॉपिंग की पास मौका, और ये ब्लॉक लाज ब्लॉक पूरा आ रहा शाम से ना है दो हाथ में, शाबिर ऑन फायर, এখন দু গাম হচ্ছে তৃতীয় গাম চলছে দু গামই দিয়েছে নোটবুক বলা দিয়ে, আর ইয়ার আইবার লাগে দাও ঠিক লাগছে সামনে গান দিয়ে দিল, আর ভোজন এর গিন তো পাস কিয়া হে মোকা ইয়া ভি সব কো সুস্থ রে কাফি ওপেনিং আর কো লাগি ওয়া লেকিন গেম ইয়ার আইবার দিবে বে ইসকে সাথ হি স্কোর করতা হো 9-5 ক্লিয়ার করে ও
सामने से एनुगी कोच था अच्छे फील्डिंग का प्रयास किया पंकज ने लेकिन ना क्या हमें आप नहीं कोई बात नहीं चलिए फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी इसके साथ ही केएफ की सर्विस होगी बेचारे हटो यार वहां एक को हटाने पे दूसरा जा रहा है ए बाबू लाल की से सेट चेंज क्या हुआ एक लेवल की सर्विस होगी रसगुल्ला सर्विस नूरपुर के द्वारा और मौका था यहाँ पे तौसिफ के पास और ये लास्ट बाउंस पास खुल जाते हैं द्वारा एलेवन एट की सर्विस एलेवन एट हल्के हाथों से और शादी में लगा बहुत अच्छा शॉट और स्मैश काफी बढ़िया मुन्ना के द्वारा गुलजार क्या करेंगे वो आएंगे लेकिन मिस कर गए और स्मैश अच्छा मुन्ना के द्वारा गेम लगातार वहां पे लगता है एक और शिफ्ट होगा अच्छा इस लोग जी हाँ 13-8 सबसरगंज अच्छा स्मैश और जमात अली का इशारा अंपायर का सबसरगंज व्यूअर 6-7 की सर्विस और आज पर कितना अच्छा शॉट और फाटा दर्शकों के साथ जोरदार ताली हो जाए इसके बाद इसके बाद अरे घर फिर से अरे कपिल से गेम कहाँ जा रही है नहीं 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 गेम कम करने में कामयाब सर है सर ये पास किया और अच्छा सर ये भारी गोल और गेम को फिर यहाँ अच्छा शॉपिंग कैसे तैयार और ये लाजमा प्रहार फायदा मिल जाएगा मुन्ना और उनकी टीम को महमूद के द्वारा सर्विस अच्छा शॉट पंकज के द्वारा अच्छी फील्डिंग इसमें सर आए मोर आसपास किया और गेंद गई नीचे गिर और एक बार फिर से अच्छा शॉट महमूद के द्वारा फील्डिंग अपने खाते में 1 करोड़ का इजाफा
चले पिला लग रहा है ये अभी से लेके सबसे में जीतने के मूड में नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है बोलो आए विश्वास करेंगे पास किया है जो नूरपुर फैक्टर किया है ऐसा लग रहा है और सर्विस होगी नूरपुर की ओर से मामू करेंगे सर्विस अच्छा जैसे तैयार है घूमना बली भी है इस मैच में अगर यह सेम हारेंगे तो अपने तो फिर ये मैच हार जाएगी यह मैच जो यह सेम जो है सबसे कम की काफी कोरेट है अच्छा शॉट और इसका फायदा मिलता हुआ हमारे और उनकी टीम नूरपुर को बारह दस की सर्विस अच्छा शॉट दे हां ये तो पड़े जब बोले बॉल मार जाते पड़े जे ख्याल कर मत जब टूर्नामेंट आपके आ रहे हैं तो आपसे का सारा मैच है अच्छा
इसी के साथ केवल दो अंकों का फैसला, दो सर्विस चाहिए नूरपुर को बॉल को जीतने के लिए। अच्छा इस मैच क्या कर पाएंगे इस मैच द्वारा इस मैच की अच्छी समिति के द्वारा और यहाँ से भी कुछ हुआ नहीं है। साबिर के पास मौका है, सबसे दिल के पास मौका है। अच्छा सर लेकिन मौका गया दिया है। दूसरा लास्ट बॉल होगा यानी सेकंड लास्ट बॉल, लेकिन आप प्रयास किया और गुना में अच्छा समय में तैयार तेरह ग्यारह की सर्विस नवरपुर की ओर से सबसेगंज के लिए। अच्छा मैच बहुत ही उनका प्रहार ने अभी तक अपना आशा नहीं खोया है, आशा के गले में लगे हुए कि वो इस मैच को इससे को जीत सकते हैं और इस मैच में बने रह सकते हैं और मैच जीत लेंगे। अच्छा शॉट इस बार निराश नाकामयाब के लाते की आखिरी मैच है। लंबे खिलाड़ी है जिसका फायदा मिलता है जबरदस्त और एक बार फिर से अच्छा यहाँ पर खेलने का मजा आ रहा है। अंतिम समय में गेंद अटके का बॉल 11:30 नूरपुर की ओर से। सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि सबसेगंज के लिए करो या मरो का मैच है। ग्यारह तेरह में अटका हुआ है भाई, ग्यारह तरह की सर्विस और काफी दमदार शॉट। अब ये फटने की बराबरी में होगा।
अच्छा जो अभी हम लोग कर रहे हैं नोटपुर के द्वारा चेंज तो करा रहे हैं नोटपुर, लेकिन उसको हम जो तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और यही नजारा 5 से 7 मिनट से चलता हुआ क्या करें गुलजार रोमांचक हो जाएगा। बांग्ला में बोलते हैं ना रोमांटिक, रोमांटिक होगा तेरा तेरा का होगा तो रिमैच काफी अच्छा। जी हाँ सबसे गंज में वो जरूर है जज्बा है कि इस मैच को इस सीट को जीतने का भी मैच कर गए भाई। थोड़ा तारीफ क्या किया भाई हजम नहीं कर भाई किया भाई की सर्विस अरे इसमें भी ताली बजती है भाई अच्छा के पास सबसे पहले क्योंकि नूरपुर ने 2 सेट जीत करके 3 सेट के लिए अगले सेट जीतने के मैच जाएंगे 14-12 कैसे निकला पाएंगे गुजार ऐसा कोई सबसे तो दोस्तों कल थोड़ा भाई स्टूडेंट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधि और यहाँ के जितने भी चीफ गेस्ट थे उनके द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। और इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में काफी लोगों ने अपना भरपूर सहयोग दिया और हमारे जितने प्रतिनिधि ने पैसा के रूप में और अपने कीमती समय दे करके और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है
सबसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमारी मेंबर की ओर से हमारे की ओर से नया का नया शुरू किया जाता है। आने वाले स्टूडेंट को एक बार फिर से जाते हैं स्टूडेंट को मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरा हमारे कॉलेज का टूर्नामेंट तुम खास हो जाने मान आने वाले सुना काफी लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है चाहे वो सर्टिफिकेट के प्लेयर हो या फिर और जिस तरह से आपने देखा कि सेमीफाइनल के जो चार सेमीफाइनल थी उनके बीच में मुकाबला हुआ काफी बेहतरीन मुकाबला हुआ। दो टीमें फाइनल में पहुंची और दो टीमों को जो हमारे बॉलर टूर्नामेंट के कमिटी मेंबर के द्वारा फोर टाइम्स फ्लैट का अवार्ड दिया गया चौथा अवार्ड प्राप्त हुआ है। शासन के तरफ हमारे कमिटी की ओर से निवासी किया जाएगा शासन तरफ से सप्ताह आप आए और आपने इस बड़े टूर्नामेंट में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसीलिए हमारे कमिटी ने कमिटी आपको 500 रुपए से नवाजा। चौथा प्राइज दिया जाएगा शासन तरफ से इस्लाम जी के द्वारा चौथा प्राइज दिया जाएगा जो हमारे इस्लाम जी के द्वारा इस बड़े टूर्नामेंट चौथा स्थान प्राप्त करने के लिए शासन रुपये का चार्ज दिया जाएगा। तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए कालीगंज कटोरिया को 2000 रुपए का इनामी राशि से नवाजा गया था और इस बड़े बड़े टूर्नामेंट में जो विजेता है सबसे जो हमारे गोला और हमारे बड़े बड़े टूर्नामेंट के उनकी जिम्मा टीम है सबसे मुझको जमालपुर साहब के द्वारा फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा सेकेंड प्राइज दिया जाएगा। जमालपुर साहब से गुजारिश है कि सबसे बड़े के कप्तान को दूसरी प्राइज से नवाजे सेकेंड प्राइज सबसे बड़े सबसे बड़े दूसरा प्राइस नवाज नवाज हुआ है। हमारे भारत टूर्नामेंट के जो फाइनल विजेता है आप सभी ने देखा किस तरीके से नूरपुर ने बेहतरीन तरीके से इस फाइनल की ट्रॉफी को अपने अपने कब्जे में लिया। तो मैं चाहूंगा कि नूरपुर के जो कप्तान है वो आए और अपना फर्स्ट प्राइज ग्रहण करें फर्स्ट प्राइज और हमारे सरपंच प्रत्याशी अब्दुल सत्तार जी के द्वारा फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। अब्दुल सत्तार जी फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा अब्दुल सत्तार जी के द्वारा नूरपुर को फर्स्ट प्राइज के रूप में। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ट्रॉफी के लिए बुलाना चाहूंगा जो एशिया गोल्ड टूर्नामेंट के उपजेता टीम है सबसे बेस्ट हुआ है और अपना सेकंड प्राइज की ट्रॉफी है वो आप आगे ग्रहण करें और उसको देंगे देंगे जमापुरी और बजरी वालों द्वारा सेकंड प्राइज दिया जाएगा। सेकेंड प्राइज सेकेंड ट्रॉफी शमशेरगंज के बाद
साहिल मजा रखा जैसा छोड़ दीजिए इसको। चलिए सेकंड प्राइज की तरफ सेकंड ट्रॉफी दिया जा चुका है अपने अपना आसान का विजय दादी के कप्तान हो आए और अपना ट्रॉफी ग्रहण करें विजय दादी के कप्तान और फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं गुप्ता साहब अकबर हुसैन के द्वारा इस टूर्नामेंट का ट्रॉफी दिया जा रहा है पहला प्राइज के रूप में। इसी के साथ भोला भाई वॉलीबॉल टूर्नामेंट के सभी कार्यकर्ताओं को एवं अंपायर को एवं प्रतिनिधि को सभी को शुक्रिया अदा करते हुए वैसे ही इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट की घोषणा करता हूं।